ਦੌਰਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰੇਆਮ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। लुधियाना विखे शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय प्रधान पवन गुप्ता ने बोलदिया कहा कि श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह SGPC के प्रधान भाई गोविंद सिंह लौंगोवाल वालों खालिस्तान की हिमायत विच बयान देना अते देश भर विच विरोध होने ते बैकफुट ते आना किते ना किते खालिस्तान लहर नूं हवा देने वल इशारा कर रहा है, जिसका शिवसेना हिंदुस्तान पूर्ण जोर ते विरोध करती है। पवन गुप्ता ने कहा जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह अते भाई गोविंद सिंह लौंगोवाल दे सख्त कार्रवाई की मंग नूं लैके 22 जून नूं सारे प्रमुखां वल्लों DC मंग पत्र सौंपे जाणगे। शिवसेना हिंदुस्तान दे पंजाब दे सारे सीनियर लीडर्स की मीटिंग सी, पार्टी ने एक अहम मुद्दे दे उत्ते जिहदे च 6 जून 2020 नूं अमृतसर दरबार साहब की परिक्रमा दे विचों अकाल तख्त दे चीफ ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने और SGPC के चीफ गोबिंद सिंह लौंगोवाल जी ने एक स्टेटमेंट दी सी कि असी जे केंद्र सरकार खालिस्तान देगा तो असी उसनों स्वीकार करांगे। असी अज दा जिहड़ा बयान ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी दा आया कि खालिस्तान दे मुद्दे नाल सारे सिख समाज नूं नहीं जोड़ के देखना चाहिए, उन्होंने जिहड़ा यू टर्न मारते हुए कहा है कि ब्लू स्टार ऑपरेशन की वजह करके सिखां 'च अलहदगी की भावना आई, असी उहदी वी कड़ी निंदा करते हैं कि 6 जून 1984 जिहड़ा ब्लू स्टार ऑपरेशन होया वह केवल सरकार के सिर च मड़ देना कितने भी जायज़ नहीं है। वह जो परिस्थितियां किन्हां ने पैदा कीतियां, अगर जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने वह परिस्थितियां ना पैदा कीतियां होंदियां तो 6 जून 1984 नूं ब्लू स्टार ऑपरेशन नहीं होंदा। यह गल बिल्कुल ठीक है कि खालिस्तान के मुद्दे नूं पूरी सिख कौम की पूरी तरह समर्थन नहीं है, सिख कौम इस मुद्दे नाल सहमत नहीं है, पर ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने यह मुद्दा उछाल के पंजाब दे विच देश की एकता अखंडता नूं नुकसान पहुँचाने की गल की है। इस करके पार्टी ने अपने स्टैंड नूं आज स्पष्ट किया है कि सरकार एक पासे तो हिंदू समाज के लीडरां नूं 295A की धारा लगा के गिरफ़्तार करती है, उन्होंने परेशान करती है, असी अगर हवन यज्ञ करके देश के जिहड़े शहीद होए सुरक्षा बल उन्होंने अगर श्रद्धांजलि देंदे उसते पाबंदी लगा देंदी है तो दूजे पासे सरेआम खालिस्तान की प्रोड़ता करन वाले ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं और लौंगोवाल नूं गिरफ़्तार करन की हिम्मत नहीं करते। अज असी फैसला किया कि 22 जून 2020 नूं दिन सोमवार पूरे पंजाब के DC के माध्यम राही साडी पार्टी के लीडर ज्ञापन देंगे और मंग करेंगे कि उन्होंने NSA की धारा लगा के इन्हों गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि इन्होंने बयान की वजह करके पंजाब जिते अतवाद खालिस्तानी ताकतों को बल मिले उत्थे सुखपाल सिंह खहरा JG वैस वर्गे होर दूसरे लोगों ताकत मिली है कि वह खालिस्तान के मुद्दे पर भड़काट पैदा कर सकन। अगर सरकार मूकदर्शक बनी रही तो इस तरह के जिहड़े देश विरोधी ताकत है जो राजनीतिक हासियत चले गए वो अपनी राजनीतिक स्वार्थ को साधन के लिए इस मुद्दे को हवा देंगे और पंजाब के नाल नाल देश की एकता अखंडता को खतरा होएगा। इस करके असी मंग करन जा रहे हैं कि इन्हां दी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए है। पंजाब च दो कानून लागू नहीं होने चाहिए, एक कानून नाल हिंदुओं नूं दबाया जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों से अपमान किया जा रहा है और दूसरे पासे खालिस्तान के मुद्दे के उत्ते देश विरोधी ताकतां सरेआम बयान दे रही हैं और उन्होंने छोया नहीं जा रहा। असी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार तो मंग करांगे इन्हां नूं जेल दे सिक्ख्या बंद करना चाहिए ताकि इन्हां दी हिम्मत ना हो सके कि देश की अखंडता उत्ते कोई आवाज़ उठा सकन। और अकाली दल बादल ने भी अज तक अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं किया। शिवसेना हिंदुस्तान की पुरजोर मंग है या तो गोबिंद सिंह लौंगोवाल नूं पार्टी चो कढ़िया जाए और स्टैंड तो अलहदगी अख्तियार करे अकाली दल बादल, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नाल गठबंधन तोड़े और केंद्रीय मंत्रिमंडल तो हरसिमरत कौर बादल नूं बख किया जाना चाहिए है। असी भारतीय जनता पार्टी नूं पुछना चाहते हैं कि क्या खालिस्तान के मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी अकाली दल बादल के नाल है, अगर नाल नहीं है तो पंजाब के हिंदुओं नूं अपना स्टैंड स्पष्ट करे। शिवसेना हिंदुस्तान लगातार इस मुद्दे से अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी, असी किसी कीमत पर भी देश विरोधी ताकतों पंजाब के सिर उठाने की इजाजत नहीं देंगे।